हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पर स्वागत करता हूँ। कैसे हो दोस्तों, और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। सिंप्लीफिकेशन में हमने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे, आज उन्हीं क्वेश्चनों को आगे और बढ़ाएंगे। तो कल हमने जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से आज शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 99 सही 1/7 प्लस 99 सही 2/7 प्लस 99 सही 3/7 प्लस 99 सही 4/7 प्लस 99 सही 5/7 प्लस 99 सही 6/7 इस तरीके का क्वेश्चन हो तो इसको आप लोग किस तरीके से करेंगे? तो देखिए, इसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इन संख्याओं को अलग जोड़ लीजिए। इन संख्याओं को जब हम अलग जोड़ लेंगे तो देखिए, ये 99 99 है। अगर कितनी जगह है, 6 जगह हैं। अगर यहाँ पे 100 100 होते, 100 100 होते 6 जगह, तो कितने हो जाते? 600 हो जाते, नहीं हो जाते। लेकिन हर जगह एक एक कम है, 6 जगह एक एक कम है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 594, 6 कम हो जाएंगे 600 में, 594 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे बताइए? 594 हो जाएंगे। फिर उसके बाद 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 इन सबको जोड़ लेंगे। तो देखिए, 1/7 2/7 सबको जोड़ेंगे, 1 2 3 3 3 6 और 4 10 5 15 15 6 21, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस 21/7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताइए? 21/7 हो जाएगा। फिर इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 7 3 21, 3 बार कट गया, तो 594 + 3 कितना हो जाएगा? 597। बताइए सभी लोगों के समझ में आया? कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितने अच्छे तरीके से हमने इसको कर दिया। अब इसके बाद अब इस तरीके का सवाल हो, इस तरीके का सवाल हो तो इसको किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे क्या 3 जो है ये 4 से छोटा है, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी है? अगर बड़ी होगी तो भाग दे देंगे, कितने बार जाता है? छोटी है छोटी, तो हम सबसे पहले इससे 1 घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? 4 सही। ये 3 जो है 4 से कितना कम है? 1 कम है, तो 1 और बटे नीचे 4, ये इसका आंसर हो गया। यहीं पे इस तरीके का सवाल होता 5 - 2/7 इस तरीके का सवाल होता, तो इस तरीके के सवाल को हम किस तरीके से करते? सबसे पहले हमने क्या बताया? ऊपर वाली संख्या इससे छोटी है, छोटी है, तो 5 से सबसे पहले 1 घटा दीजिए। 5 से जब हम 1 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 4 सही। या कितना कम है 7 से 2? 5 कम है, 5/7 ये क्वेश्चन हो गया। बताइए समझ में आ रहा है? अब इसके बाद इस तरीके का सवाल होता 8 सही 8 - 3/7 इस तरीके का होता, तो इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से करते? इसको करने का सबसे पहले हम क्या करते? इससे 1 घटा देते, क्योंकि ऊपर वाली संख्या छोटी है, छोटी है, तो इससे 1 घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 7। अब इसके बाद यहाँ कितना कम है? यहाँ 7 से 3 कितना कम है? 4 कम है, तो 4/7 सही 4/7 इस तरीके से सॉल्व कर लेते। अगर यहीं पे क्वेश्चन होता इस तरीके का 8 - 15/8 इस तरीके का होता, तो इसको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही था कि सबसे पहले हम क्या करते? इससे 1 घटा देते, इससे 1 घटा देते, तो यहाँ पे कितना बचता? 7। लेकिन यहाँ पे कम नहीं है, ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा है। कम होता था तो कितना कम होता था उतना लिख देते थे, लेकिन यहाँ पर तो ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए पहले हमारे इसका भाग दे देंगे। 8 * 8 8 * 8 यहाँ कितने बचे? 7 7/8 इतना आ जाएगा। अब देखिए, अब ये इस तरीके का आ गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इससे ये घटा देंगे, इससे क्या करेंगे? ये वाला घटा देंगे। सबसे पहले यहाँ पे 8 ही लिखा रहने देंगे, 8 - इसको हमने इस तरीके से कर लिया। अब देखिए, 8 से 1 चला गया, कितना बचा? 7 - 7/8 इस तरीके से, समझ आए?
कैसे हमने किया, सबसे पहले 8 माइनस इसी तरीके से लिख लिया, यहाँ 8 से भाग दे दिया, 8 इक्कन 8 और 7 सही 8 बटे 8 हो गया, 7 छोटे 8 हो गया, एक सही 7 बटे 8 आ गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, 8 से 1 घटा दिया, 7 बचा, 7 माइनस 7 बटे 8 हो गया। अब हमने क्या बताया था, इस तरीके का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले इससे 1 घटा देते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा 6, फिर यहाँ पर देखते हैं ये कितना कम है, 1 कम है तो 1 बटे 8, 6 सही 1 बटे 8, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब यहीं पे देखिए इस तरीके से क्वेश्चन हो, 9 माइनस 24 बटे 7 ये क्वेश्चन होता, तो इसको कैसे हम करते, सबसे पहले इसको तो 9 माइनस सही लिख लेते, 7 तियाँ 21, 3 सही कितने बचे यहाँ पे 3 बचे बटे 7, 7 तियाँ 21, 3 आगे लिख दिया, 3 बचे 3 ऊपर लिख दिया। अब इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे तो 9 से 3 गए 6 माइनस 3 बटे 7 इस तरीके से आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमने बताया जब भी ऐसी संख्या हो जाए तो 1 घटा दीजिए इससे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5, ये कितना कम है 4, तो 4 ऊपर लिख दिया 7 नीचे लिख दिया, तो 5 से ही 4 बटे 7। उम्मीद करता हूँ सभी लोग समझ गए होंगे, अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। तो अब देखिए आगे क्वेश्चनों पर चलते हैं, इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कर लीजिए और जब दो चार बार इनको करोगे तो अपने आप सब समझ में आने लगेगा। और सिंपलीफिकेशन तो सीखना बहुत ज़रूरी है, अगर मैथ में कुछ भी सीखना है तो सबसे पहले सिंपलीफिकेशन और नंबर सिस्टम सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना सिंपलीफिकेशन और नंबर सिस्टम के गणित में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अब इसके बाद हो 1/2, 1/2 को हम क्या ले सकते हैं, 1/1 × 2 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, एक दो ना, तो अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/1 − 1/2। इसी प्रकार 1/6 हो तो इसको 1/2 × 3, हमेशा पास पास लगातार संख्या होनी चाहिए, उनके बीच डिफरेंस अंतर कितना होना चाहिए, 1 का अंतर होना चाहिए। तो इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 − 1/3। इसी प्रकार 1/12 हो तो 1/12 को हम क्या लिख लेंगे, 1/3 × 4, देखिए लगातार संख्या आए तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 1/3 − 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/12 ही आएगा, आएगा नहीं आएगा बताइए, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इसके बाद 1/20 हो तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 1/4 × 5, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, देखिए लगातार संख्या है 4×5 = 20, 1/4 − 1/5। इसी प्रकार 1/30 हो तो इसको हम 1/5 × 6 कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/5 − 1/6। सभी लोगों के समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए इसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए 63×22 इसका गुणा करना है मल्टीप्लाई, तो इसको देखिए कुछ लोग क्या करेंगे, इसको गुणा दोहरिया गुणा करने बैठ जाएंगे, तो इसको गुणा नहीं करना है, क्या करना है तो लिख लो, लेंगे 20+ कर लेंगे, अब 3 गुणा कर लेंगे, 2 × 3 = 6, सबसे पहले तो 0, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12 = 126 प्लस 63 × 2 = 126, तो जोड़ लेंगे 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 6 और 1 और 2 3 और 1 86 आ गया। चाहे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, 8+3 63 को ले सकते 22 कर सकते हैं ना, फिर इसका गुणा कर लेते 6 में करते तो 132 आ जाता, 1 0 आ जाता, 22 × 3 = 66 आ जाता, इसमें जोड़ लेते 6 × 6 = 8 = 1386 तब भी आ जाता एकदम गुणा, ठीक है सभी लोग समझ गए होंगे। तो अब और चलते हैं, लीजिए आगे क्या है उसके बारे में भी अच्छे तरीके चर्चा करेंगे और समझाएंगे और समझने की कोशिश करिए अच्छे तरीके से। तो अब सीखेंगे 100 को आधार मानकर गुणा, देखिए 100 को आधार मानकर, 100 को आधार मानकर गुणा कैसे शुरू करेंगे, देखिए 100 के नज़दीक वाली संख्याएं, 100 के नज़दीक संख्याएं, देखिए 100 के नज़दीक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, एक तो 3 होती हैं संख्याएं, 100 से कम दोनों संख्याएं 100 से कम होनी चाहिए,
सौ से कम दोनों, दूसरा खंड क्या होगा दोनों सौ से ज़्यादा, दोनों सौ से ज़्यादा हो, तीसरा खंड क्या हो सकता है एक सौ से ज़्यादा, एक सौ से कम, दूसरी सौ से ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला खंड लेंगे, दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए सौ से कम होनी चाहिए दोनों संख्याएं। तो दोनों संख्या सौ से कम का मतलब जैसे एक अट्ठानवे हो और एक सत्तानवे हो, ये संख्याएं हैं, इनका अगर हमें मल्टीप्लाई करना है गुणा करना है तो देखिए किस तरीके से गुणा करेंगे, देखते हैं पहले ये सौ से कितना कम है माइनस दो, ये सौ से कम कितना है माइनस तीन, टोटल देखिए ये माइनस दो कम है ये सौ से माइनस तीन कम है, तो टोटल कम कितना हो गया दो और तीन पाँच कम हो गया, तो सौ से पाँच कम कर दीजिए, जब सौ से पाँच कम कर देंगे तो कितना बचेगा पचानवे, इनका गुणा कर लीजिए दो तीन छः तो जीरो छः, ये आंसर हो गया। यहीं पे संख्या हो पचानवे गुणे चौरानवे, ये संख्या हो तो देखिए कैसे हम गुणा करेंगे, सबसे पहले देखते हैं ये कितनी संख्या कम है माइनस पाँच और ये कितना कम है माइनस छः, तो टोटल कितना गया कम हो गया ग्यारह कम हो गया कि नहीं हो गया, छः और पाँच ग्यारह, तो ग्यारह कम हो गया ग्यारह कम कर देंगे, सौ से ग्यारह कम कर देंगे तो कितना बचेगा नवासी, सौ से ग्यारह कम करेंगे तो कितना बचेगा नवासी और पाँच छक्का तीस, पाँच छक्का तीस, ये आंसर हो गया नवासी। यहीं पे हो बानवे गुणे चौरानवे, ये संख्या है देखिए इसका अगर मल्टीप्लाई करना है तो इसका मल्टीप्लाई देखिए किस तरीके से करेंगे, ये कितना कम है माइनस आठ, ये कितना कम है माइनस छः, सौ से कम है तो आठ छः चौदह कम हो गया नहीं हो गया, तो चौदह हम कम कर देंगे, सौ से चौदह जब कम कर देंगे तो कितना बचेगा, सौ से चौदह कम करेंगे तो बचेगा छियासी, कितना बचेगा छियासी, अब इसका इसका गुणा कर देंगे आठ छिंगे अड़तालीस, तो छियासी अड़तालीस आ गया आंसर। यहीं पे इस तरीके से हो अठासी गुणे पचासी, ये संख्या है इसका मल्टीप्लाई करना है, देखिए दोनों संख्या सौ से कम है, इनका मल्टीप्लाई देखिए कितने अच्छे तरीके से, इनका खुद अपने आप घर पे भी करना है इसी तरीके से, अपने आप एग्जांपल बनाना और लगाना, देखना कितने अच्छे तरीके से सवाल आप लोगों को समझ में आने लगेंगे और बहुत जल्दी गुणा भी सीख जाएंगे इस तरीके से गुणा करना। देखिए यह कितना कम है बारह, ये कितना कम है पंद्रह, कम है नहीं है, अब देखिए बारह और पंद्रह कुल मिला के कितने कम हो जाएंगे सत्ताईस, सत्ताईस जब हम कम कर देंगे तो कितना बचेगा तिहत्तर, कितना बचेगा तिहत्तर, इनका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पंद्रह और बारह का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा एक सौ अस्सी, कितना आ जाएगा एक सौ अस्सी। ठीक है, तो इधर संख्याएं कितनी होनी चाहिए दो संख्याएं इधर होनी चाहिए, इधर संख्याएं कितनी तीन है तो हमने एक एक को इधर शिफ्ट कर दिया तो इधर कितना हो गया चौहत्तर, उधर कितना बचा अस्सी। देखिए इसमें क्या था संख्या तीन दूनी छः आया था तो हमने जीरो छः, क्योंकि इधर संख्या कितनी होनी चाहिए दो संख्याएं होनी चाहिए, जब दो संख्याएं नहीं होती हैं पूरी तो हम जीरो लगा लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक और सवाल समझिए, अब जैसे वो अस्सी गुणे सत्तर, ये सवाल है अस्सी गुणे सत्तर, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ये बीस कम है ये तीस कम है नहीं है, अब देखिए टोटल कितना कम हो गया पचास, तो सौ से हमने पचास कम कर दिया पचास बचा, सौ से पचास कर दिया पचास बचा कि नहीं बचा, अब इसके बाद हमने इधर ऐसी रेखा कर दी, अब हम देखिए बीस और तीस का गुणा करते हैं तो तीन दूनी छः, छः सौ आ जाएगा, बताइए छः सौ आ जाएगा। अब हमने बताया इधर संख्याएं दो रहनी चाहिए तो इस छः को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो इधर पचास में छः जोड़ देंगे छप्पन डबल जीरो, वैसे भी करके देख लीजिए आठ सत्तर छप्पन डबल जीरो, देखिए वही इतना आता है, सभी लोगों के समझ में आया नहीं आया बताइए। अब यहाँ पे वो बयासी बयासी गुणे नब्बे, इसका गुणा करना है तो इसका गुणा करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ये कितना कम है अठारह, ये कितना कम है माइनस दस, दस कम है तो अठारह और दस कितने हो गए अट्ठाईस, अट्ठाईस कम कर देंगे तो कितना बचेगा इधर अट्ठाईस कम कर देंगे तो बचेगा बहत्तर, कितना बचेगा बहत्तर, और यहाँ पे अठारह और दस का गुणा कितना हो जाएगा एक सौ अस्सी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इस एक को इधर शिफ्ट करेंगे क्योंकि इधर दो संख्या रहनी चाहिए, तो इधर कितना हो जाएगा तिहत्तर और अस्सी, इसका गुणा भी करके देख लीजिए जीरो नौ दूनी अठारह ग्यारह अठारह लगाए नौ अठे बहत्तर एक तिहत्तर,
क्योंकि इतने जाता है तो इतने इस तरीके से आप किसी भी संख्या का गुणा आराम से कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है और आप लोगों को ये तरीका बहुत ही पसंद भी आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।